पंचनामा करने गई पुलिस को शुक्रवार को गंगा जमुना बस्ती में दो तलघर मिले। लकड़गंज पुलिस ने दोनों तलघर सील कर दिए। पुलिस कार्रवाई के दौरान इन तलघरों में लड़कियों को छिपाया जाता था। महिला सहित तीन आरोपियों को प्रकरण दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महेंद्र झाड़ी और राजकुमार नामक व्यक्ति और एक महिला है। 21 अक्टूबर 2021 को गंगा जमुना बस्ती में एक नाबालिग लड़की मिली थी। इस घटना को लेकर शुक्रवार को दोपहर में लकड़गंज थाने की टीम गंगा जमुना बस्ती में उस कमरे का पंचनामा करने गई थी जिस कमरे में नाबालिग मिली थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को पहले एक कमरे में 6x4 का तलघर मिला। इसमें आसानी से 8-10 लड़कियां छुप जाती थी। इसके अलावा एक और तलघर पुलिस को मिला है जो 6x2 का है। पुलिस ने इन दोनों तलघरों को सील कर दिया है। हाल ही में गंगा जमुना बस्ती में हुए आंदोलन के दौरान भी पुलिस को यही तलघर मिले थे। उस समय भी तलघर को सील किया गया था लेकिन सील करने के बाद फिर उसे खोल दिया गया था। उल्लेखनीय है कि पुलिस का छापा पड़ते ही इन तलघरों को बालिक और नाबालिग लड़कियों को छिपाने के काम लाया जाता था। ताजा घटनाक्रम में रीना छाड़ी, महेंद्र छाड़ी, राजकमल और अन्य एक महिला के खिलाफ वरिष्ठ निरीक्षक पराग पोटे के आदेश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच जारी है। ये पहले इस प्रकार की ओरल इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट्स आती थी कि गंगा जमुना में कुछ तहखाने हैं जहां बच्चियों को, माइनर्स को पुलिस रेड के दरमियान छुपाने के दृष्टि से और छोटी बच्चियों को प्रताड़ित करने के दृष्टि से और उनको देह व्यवसाय में वो के लिए वो अग्री करें, इस दृष्टि से इस प्रकार के तहखाने हैं, ऐसी तकरार आती थी। इस प्रकार की काफ़ी सारी ओरल कंप्लेंट्स आई थी लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई नहीं हुई थी मतलब सर्चेज, रेड्स बहुत बार हुए हैं लेकिन कभी भी इस प्रकार की तहखाने पुलिस को मिली नहीं थी। इस बार अभी एक छोटी बच्ची माइनर जिसको पहले एक जगह से उसके मदर फादर ने 20 लाख रुपए में देह व्यवसाय और डांस बार के लिए मुंबई में बेचा था, वहाँ पे वो बच्ची कुछ दिन रहने के बाद उसने आपत्ति व्यक्त किया था और उसके बाद वो भाग के वापस अपने घर गई थी। वहाँ से फिर से उस बच्ची को 20 लाख रुपए में दोबारा इस परिसर में उसको बेचा गया था और बेचने के बाद उसको देह व्यवसाय के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस, खाने में ड्रग्स, नशे की पदार्थ इस प्रकार की डाल के उसको देह व्यवसाय के लिए देह व्यवसाय में डाला गया था। एक कस्टमर के मदद से वो यहाँ से भागने में सफल हुई थी। भागने के बाद वो लड़की के बारे में यहाँ की जो महिला थी उसने कंप्लेंट किया था कि वो मिसिंग है और मिसिंग के समय उसने आधार कार्ड उस बच्ची का दिया था जिसमें उसका वय 22 साल बताया गया था और उसको उस समय पुलिस ने ट्रेस किया था, उस लड़की को लाया भी गया था बट उस समय उसने कुछ अपना एज सही बताया नहीं था। यहाँ से उसको वापस उसकी मदर के पास यहाँ की पुलिस ने भेज दिया था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।